छत्तीसगढ़ सरकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए कमलेश साहू के परिवार को हर संभव मदद करेगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद के परिवार को ढांढस बंधाया। आईईडी ब्लास्ट में शहीद कमलेश साहू को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शहीद के पिता से फोन पर बातचीत की और उन्हें ढांढस बंधाया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा ने इसकी बातचीत करवाई। शहीद के पिता से बातचीत कर डिप्टी सीएम ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। कमलेश साहू शक्ति के हसौत का रहने वाला था। बुधवार को नारायणपुर के आमदई खदान में हुए आईईडी ब्लास्ट में कमलेश शहीद हो गए। के हमारे सुरक्षा के लिए काम करते हैं और इस दौरान वो शहीद हो जाते हैं। ब्लास्ट सीआरपीएफ के नारायणपुर ज़िले में थे और उन्होंने सर्चिंग में निकले हुए थे और बम ब्लास्ट के माध्यम से वो शहीद हो गए। और आज हमारे क्षेत्र में बहुत ही ये दुखद घटना है। पूरे परिवार, पूरे क्षेत्र, पूरा जिला प्रशासन दुखित है। मैं पूरा परिवार को इस घड़ी में भगवान से विनती करता हूँ, उसको शक्ति दे कि इस दुख को सह सके। पूरे क्षेत्र को कहना चाहता हूँ कि उस परिवार के बेटा बन जाए, उनका सहयोग करे। और कमलेश साहू के लिए मैं भगवान उसको अपने चरणों में जगह दे। ऐसे वीर शहीद जो हमारे सेवा करने के लिए बॉर्डर में गए थे और आज शहीद हो गए हैं, आज अंतिम संस्कार में हम लोग सब आए थे। पूरा जिला प्रशासन आए थे, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, तमाम क्षेत्र के नेता, मीडिया बंधु सभी ने मिलजुल कर सहयोग किए। और ये दुखद घटना है, इस दुख के बेला में सब परिवार का साथ दें और सहयोग करें। जो बड़े बेटा कमलेश कुमार साहू जो सीएफ में भर्ती रही से सन 1918 में, आज कल 14 तारीख की डेट में शहीद हो गए। नक्सलाइट मन बम लगा करके बोला हत्या कर दे नक्सलाइट मन के द्वारा। बेटा के भी बहुत पहले से इच्छा रही से कि मैं पुलिस बनूँ, पापा पुलिस। वैसे मोरो भी बहुत पहले इच्छा रही से पुलिस में रह करके सेवा दूँ करके, देश की सेवा में लगूँ करके। लेकिन बेटा अगर इसे काम ला और आज देश के लिए शहीद हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये नवीन महाविद्यालय है कि आज शहीद जो है कमलेश कुमार साहू उनका नाम में किया जाएगा। इस दुखद घड़ी में जितने भी परिवारजन, गणमान्य नागरिक, शासन प्रशासन, मेरे भाई, मेरे बड़े भैया कमलेश कुमार साहू जी का आज छत्तीसगढ़ के लिए व भारत देश के लिए आज कुर्बान शहीद हो गया। और जितने भी गणमान्य शासन प्रशासन लोग आए हुए हैं उनको मैं तह दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग बचपन से ही एक दूसरे मतलब पढ़ाई लिखाई एक साथ रहे हैं और पढ़ाई से लेकर पूरा तैयारी जॉब लगने तक एक साथ रहे, देश सेवा के लिए समर्पित है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए, इसके लिए मैं गर्व करता हूँ कि मेरे दोस्त नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। इसके लिए मैं पूरे भारत छत्तीसगढ़ आज उसके सभी लोग गर्व कर रहे हैं। कमलेश कुमार साहू मेरे अच्छे और बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं। जहाँ भी आना हो, जाना हो, पढ़ाई लिखाई साथ करना हो, कहीं भी आने जाने में, यहाँ कॉलेज तक के सफ़र में और तैयारी में, कहीं भी घूमने फिरने आने जाने में बहुत मेरा सहयोगी रहा है कमलेश कुमार साहू। उसके जाने का मेरे को दुख नहीं, बहुत दुख है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।